दोस्तों आइए देखें क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी तत्काल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर, रासायनिक संरचना एवं उनकी प्रकृति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। दोस्तों आइए देखें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड नेचर, यानी पदार्थों की रासायनिक वर्गीकरण उनके रासायनिक संरचना एवं प्रकृति के आधार पर। पहला है प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ, ये दो प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे या प्योर मैटर किसको कहेंगे, पदार्थ का वैसे पदार्थ जिनके सभी अवयव समान होते हैं, यानी ऑल कंपोनेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी समान अवयव से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी वैसे पदार्थ जिनका नाम निर्माण समान अवयव से हुई है, समान कंपोनेंट से हुई है, वैसे पदार्थ को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इनमें लेबोजियर के अनुसार इनका वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है जौ। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि तत्व क्या है। तत्व दैट मींस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहे जाते हैं, तत्व किसको कहे जाते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप जिनके सभी परमाणु समान होते हैं वे तत्व कहते हैं, अर्थात द प्योर एक प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर्स व्हिच इज मेड ऑफ व्हाट काइंड्स ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट्स। या ऐसा कह सकते हैं जो सेट ऑफ आइडेंटिकल एटम, समान परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं, या समान परमाणुओं के समूह से बने पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, यानी मेड ऑफ वन काइंड्स ऑफ एटम, एक ही तरह के परमाणु से निर्मित शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व यानी प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम रूप होता है पदार्थ का, ऐसा शुद्धतम रूप है जिनमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं। इनके ये महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्वों को किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा अन्य शुद्ध पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता, यानी दैट मींस जो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा अन्य पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते, जैसे लोहे के कण को चाहे जितना छोटे टुकड़े में विभक्त कर दें, क्या उनका गुण सोने जैसा नहीं होगा, सिल्वर जैसा नहीं होगा, एल्युमिनियम जैसा नहीं होगा, सोडियम जैसा नहीं होगा, वह लोहे जैसा ही होगा। इससे स्पष्ट होता है कि तत्व का निर्माण एक ही तरह के परमाणु से होते हैं और किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा उनको विभक्त नहीं किया जा सकता है दूसरे तरह के परमाणु। दूसरी बात है ये प्रत्येक तत्व का नियत एवं अद्वितीय परमाणु संख्या एवं सिंबल, इस लाइन से यह स्पष्ट होता है जे किसी तत्व का परमाणु संख्या और उसका संकेत यानी सिंबल अद्वितीय होता है, मतलब जो एक का होता है वो दूसरे किसी का नहीं होता। जैसे पहला नियम ऑफ एलिमेंट, तत्व का नाम सिंबल और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत यदि एच है तो अन्य तत्व किसी का भी सिंबल एच नहीं होगा और इनकी परमाणु संख्या एक होगी, अर्थात हाइड्रोजन का सिंबल एच और परमाणु संख्या यदि एक है तो दुनिया के किसी भी तत्व का परमाणु संख्या तथा सिंबल इनके बराबर नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि प्रत्येक तत्व का नियत एवं अद्वितीय परमाणु संख्या तथा सिंबल एटॉमिक नंबर और सिंबल होते हैं। दूसरा है हीलियम।
जिसकी सिंबल एच होती है, और एटॉमिक नंबर दो। तीसरा है सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है और सिंबल Na। मरकरी Hg 80, अर्थात ये जो तत्व है इनके ये सिंबल है और ये एटॉमिक नंबर, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकते। जो एक तत्व का होगा ये किसी दूसरे तत्व का नहीं हो सकता। वर्तमान में 116 तत्वों का हम अध्ययन करते हैं, खोज हो चुकी है 118 एलिमेंट्स, लेकिन हम लोग केवल 116 तत्वों के विषय में ही पढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या 117 और 118 के जो तत्व हैं उनके विषय में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हम लोग 116 को ही मान के चलते हैं। वर्तमान में 116 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें 90 एलिमेंट नेचुरल और 24 एलिमेंट सिंथेटिक। तो तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, तत्वों के सोर्स के आधार पर, तत्वों के प्राप्ति के आधार पर तत्व दो प्रकार के, एक हो गया नेचुरल एलिमेंट्स और दूसरा हो गया सिंथेटिक एलिमेंट्स। नेचुरल प्राकृतिक तत्व, वैसे तत्व जो प्राकृतिक पदार्थ है, यानी गिफ्टेड बाय नेचर, जिसको प्रकृति ने मुझे दिया, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जो अर्थग्रहण से निकलते हैं, यानी जमीन के तोड़ने से, खोदने से, या एटमोस्फेयर में निकलते हैं, जिसको प्रकृति ने मुझे प्रदान किया है या प्रकृति ने दिया है, उसे हम नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। और इन तत्वों की संख्या 92 होती है, रेस्ट 24 एलिमेंट सिंथेटिक होते हैं, जो जिसे हम संश्लेषित तत्व कहते हैं या कृत्रिम तत्व कहते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं, मैन मेड, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं या मनुष्य द्वारा निर्मित। दोस्तों 116 एलिमेंट के 116 तत्वों का वर्गीकरण हम करते हैं, तो सोर्स के आधार पर इनको दो वर्गों में हम लोगों ने बांटा। पहला है नेचुरल एलिमेंट्स जो 92 है, और दूसरा है सिंथेटिक एलिमेंट्स जो 24 है। 24 है ये मैनमेड है और ये गिफ्टेड बाय नेचर। फिर इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों का जब वर्गीकरण करते हैं तो इनको तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला है सॉलिड एलिमेंट्स, इनमें 103 एलिमेंट्स है, ऐसे तत्व जो ठोस की अवस्था में, ऐसे तत्व जो द्रव की अवस्था में होते हैं उनकी संख्या 2 है, और 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसीय सिस्टम में, और तत्व की प्रकृति के प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके गुण के आधार पर तत्वों को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला वर्ग होता है मेटल जो 91 तत्व है, दूसरा वर्ग होता है नॉन मेटल जो 18 तत्व इसमें आते हैं, और तीसरा वर्ग होता है मेटालॉइड्स जिसमें 7 तत्व आते हैं। इनको कहा जाता है धातु, अधातु एवं कुल धातु। ये तत्व के गुण के आधार पर, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके बिहेवियर्स के आधार पर, इनके व्यवहार के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। ये तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वायर्स। आइए हम चर्चा करें धातु, अधातु एवं कुल धातु। दोस्तों आइए देखें मेटल यानी धातु। धातु वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, यानी दोज एलिमेंट विद टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। हम लोगों ने पुरानी विचारधाराओं में पढ़ा था धातु विद्युत का संचालक होता है, पीट कर तार बनाया जा सकता है, प्रसार किया जा सकता है, जिनमें कण धन थन की आवाज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग में परिभाषा सबके लिए एप्लीकेबल होता है। यदि हम सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, मैंगनीज लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, उसमें प्रसार नहीं किया जा सकता, उसको पीटने से टन झन खन की आवाज नहीं हो सकती, तो इनको क्या धातु नहीं कहेंगे?
सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, लेकिन इनका न तार बनाया जा सकता, न इनको कण झन खंड की आवाज हो सकती है। ये मुलायम होते हैं, चाकू से कट जाते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दोस्तों तो आइए देखें इसको कैसे कहा जा सकता है। ये दो एलिमेंट हुए टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल्स। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वैसे तत्व जिनमें मैटिक बॉन्ड यानी धात्विक बंधन उपस्थित रहते हैं उसे धातु कहते हैं। और धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो धनायन का निर्माण करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सबों की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ केटायंस, ये केटायन का निर्माण। दूसरा तत्व है अधातु, अधातु यानी नॉन मेटल्स, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती उसे अधातु। दो एलिमेंट विच टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ रिनायंस यानी एनायंस यानी रिनायन निर्माण करने की प्रवृत्ति होती, अर्थात वैसे तत्व जिनमें धात्विक बंधन अनुपस्थित होते हैं उसे हम अधातु कहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि, ये सब क्या है अधातु है। इनके गुण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तीसरा है मेटलॉइड्स यानी उपधातु, इसको सेमी मेटल भी कहा जाता है, लाइक एज मेटल्स धातु के जैसा व्यवहार। ये कुछ खास तत्व होते हैं, कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, वैसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहते हैं उसे हम उपधातु। ये केवल सात होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिटेनियम, क्रोमियम, एनेक्टियम, ये सात जो है कुछ विशिष्ट तत्व है, खास तत्व है जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं यानी उपधातु, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है यदि धातु को पुरुष मान लें और इसको महिला मान लें, अधातु को तो मेटलॉइड क्या हो जाए, शिखंड, जिनमें दोनों के गुण है पुरुष के भी और महिलाओं के, तो इसको इसी कैटेगरी का और विशेष होते हैं चूंकि दोनों के गुण पाए जाते, इसीलिए इसको हम कहते हैं उपधातु। और इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है। दोस्तों आपसे आग्रह है, अनुरोध है, या आप वीडियो को अवश्य देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट सूचना मिल सके। मौसम के कारण प्रत्येक दिन वीडियो नहीं बन पा रहा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।